बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आप निर्णय देखें तो हम खुश हैं कि देश में लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था आज भी जिंदा है। संविधान मरा नहीं है या कोई संविधान की हत्या नहीं कर सकता। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिंदे गुट का व्हीप है वही गैरकानूनी इलीगल है, उसका मतलब है वो लोगों ने जो व्हीप बजाया था वो गैरकानूनी है और हमारा जो व्हीप था उसने जो आदेश दिया है वो कानूनी है। वो उस व्हीप के मुताबिक तो सब लोग अभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष के वो अधिकार है, ठीक है, लेकिन लीगल व्हीप कौन है? प्रभु है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तो क्या विधानसभा के अध्यक्ष गैरकानूनी काम करेंगे? क्या संविधान की हत्या करेंगे? बरोबर है, लवकरात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सगळ्या घडामोडींवर लक्ष आहे आणि विधानसभेचे अध्यक्ष या डॉक्टर आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये संविधानाची हत्या करू शकत नाही। नैतिकतेच्या मुद्द्यावर ताबडतोब मुख्यमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या सरकारने राजीनामा द्यायला पाहिजे, उगा टाळ्या वाजत बसू नये। राज्यपालांची प्रत्येक भूमिका बेकायदेशीर आहे। सर आपने पॉइंट रखा शिंदे सरकार आता तरी कायम असल्याचे दिसते। अरे सोडा, कायम बँक कसलं आहे, गेलं ते सरकार। ये बात सही है, कानूनन मुद्दा है कि उसका ही मतलब है अभी की सरकार गैरकानूनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अगर उद्धव जी ने नैतिकता के आधार पर रिजाइन किया है, इस्तीफा नहीं देते, तो आज हम उस स्थिति में होते कि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री के तौर पर फिर एक बार स्थापित करते। उसका मतलब है जिस तरह से सरकार नई सरकार बनाई ये पूरी तरह से गैरकानूनी है और संविधान के खिलाफ बनी है। दूसरी बात सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है कि शिवसेना किसी गुट की नहीं हो सकती, ओरिजिनल पार्टी है उनके पास रहेगी।